शालीन भनोट और बिग बॉस के बीच हुई अब तक की सबसे बुरी गर्मा गर्मी। वकील से बातचीत करने तक पहुंच गया है दोनों के लड़ाई का मामला। आप सब जानते ही हैं कि शालीन भनोट रोज़ाना ही बिग बॉस पर अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे वॉलंटरी एग्जिट चाहिए। अभी हाल ही में बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड्स में दिख रहा है कि कैसे सौंदर्या शर्मा को छोड़कर सभी घर वालों ने शालीन भनोट से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। और ये भी देखा गया है कि प्रियंका, शिव और स्टैन शो में शालीन को मैनिपुलेटर, नकली व्यक्ति भी कह रहे हैं। अब शालीन कर रहे हैं अकेला महसूस और इसी बीच वो जाते हैं कन्फेशन रूम करने बिग बॉस से बातें। बातों बातों में वो बिग बॉस को कहते हैं कि मैं अपना आपा खो रहा हूँ और डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है मुझे। और बिग बॉस उन्हें कहते हैं कि हम आपके लिए साइकाट्रिस्ट की हेल्प भिजवा देते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। शालीन को बिग बॉस के सीक्रेट खोलने की धमकी देते हुए भी सुना गया है और कहते हैं, बिग बॉस ये याद रखिए, मैं सबको जानता हूँ। शालीन ने अपने वकील से भी बात करने को कहा है।